क्या कहूं आपको, श्रावको खुद को भी जरा पहचानना। जब वहां आया सब लोग तो बैठे हुए थे और भगवान बोले सुठुण मधुवान मधुक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भगवान जिसको ठीक कह दे इससे बड़ी मोहर कोई हो सकती है क्या? सुठुण मधुआ सबने देखा कौन है, मधुक श्रावक, तुमने बिल्कुल ठीक दिया उत्तर। और फिर औरों को बताया भगवान ने, ये तत्वज्ञ है, ये किसी बात का उत्तर देने में समर्थ है, यह है। और इसने उन लोगों को सही उत्तर दिया, श्रावकों की ये बात है जी। अब आप सोच कर देखो मधुक की आप और हम कितनी प्रशंसा करें, भगवान ने जिसको सही कह दिया उसके लिए हमारे पास शब्द हो सकते हैं क्या? हम कहें भाई वाह भाई बहुत बढ़िया बात है, मधुक ने कमाल ही कर दी, भगवान ने भी ये बात कह दी। तो चलो अपनी बात पर, निर्ग्रंथ प्रवचन में जिसकी श्रद्धा थी वो श्रावक था। को भी ये शब्द आया यहां, वह कोविद ज्ञाता था, ऐसा वह पालित नाम का श्रावक था। नाम याद रखना, पालित, ऐसा वो श्रावक था। व्यवहरंतो पोएन व्यवहरंतो पिहुंड नगर में आ गए, उसका जो व्यापार था वो विदेशों में था। उस जमाने में बड़ी बड़ी नौकाएं होती थी, बस उसी तरह के पोत कहते हैं उनको, बड़ी नौकाओं को, उनमें माल भरता था और विदेशों को भेजता था। कितनी बार वो स्वयं भी साथ जाता था, वहां से माल भर करके जो वहां के उत्पादन थे वो लेकर यहां लाता था, यहां बेचता था, ये उसका व्यापार था। पिहुंडे व्यवहरंत वाणियों दे धुएरम, एक बार वह पिहुंड नाम के नगर में गया विदेश में, वहां उसने व्यापार किया। जब वह वहां पर था और अपना कार्य कर रहा था, वहां के एक व्यापारी ने, वाणी शब्द फिर आया, एक व्यापारी ने देखा बड़ा सज्जन युवक है, बहुत अच्छा है, जो भी संसार की परिभाषाएं हैं बहुत अच्छा है यह, अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ कर दूं तो बहुत अच्छा रहे। उसके धार्मिकता को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसने वहां के उस व्यापारी ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, विवाह हो गया। कुछ समय रहा, जितना भी रहा, महीने, कितने महीने रहा, कुछ नहीं रहा, वहां व्यापार किया। उसके बाद उसने अपने देश में आने की सोची, चंपा में, और उसने फिर जो भी माल था वो भरा उन पोत में और यहाँ के लिए चल दिया। आ रहा था समुद्र मार्ग से आ रहा था, अह पालियस घरणे समुद्र में पस भई, वहां समुद्र में जब उनकी नौका पोत था वहां बीच में ही उसकी पत्नी ने, जिसके विवाह हुआ था, उसने पुत्र को जन्म दिया। काफी समय रह कर आया था वह, पुत्र को जन्म दिया, खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। पर थोड़ा ये तो रहा वह समुद्र है, घर होते तो और तरह की खुशी मनाते, यहाँ समुद्र में ये भी एक बात हो गई, देखो समुद्र में यहाँ इस तरह जन्म हुआ, सब ठीक हो गया, अच्छे से हो गया। तब उन्होंने विचार करके, ये यात्रा पूरे जीवन भर स्मरणीय रहे, हमेशा याद रहे, इसलिए अह दारे तहिं जाए समुद्र पालित नाम है, उसका नाम समुद्र पाल रख। उस बच्चे का नाम क्या रखा? समुद्र पाल।
ये कई बार सूचना कई बार पढ़ने में आ जाती है। किसी बच्चे का जन्म रेल में होगा उसका नाम रेल सिंह रख दिया, एक बच्चे का जन्म जो है जहाज में होगा उसका नाम जहाज सिंह रख दिया। आजकल भी लोग ऐसे प्रयोग कर लेते हैं, यादगार हो गई, ये तो एक नई सी बात हो गई, इस तरह हो गया। उन्होंने भी अपनी यात्रा को स्मरणीय बना लिया, उन्होंने उसका नाम समुद्रपाल रख दिया। खेमे ने सकुशल आराम के साथ वो अपने घर पहुंच गए, आ गए, बच्चे का लालन पालन वो सब कुछ, खुशियां मनाना, वो सारी बातें हुई। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया और फिर बड़ा होने के बाद 72 कलाएं उसको सिखाई, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया और फिर उसका विवाह भी हो गया। एक दिन वह समुद्रपाल अपने घर के छज्जे में खड़ा हुआ था और जैसा पहले भी बताया कि वो बाजार की शोभा देख रहा था, लोग आ रहे थे जा रहे थे, देख रहा था। उसने एक दृश्य देखा, पुलिस आ रही है, आ रही होगी, पुलिस भी होती है, ठीक है, और नजदीक आए, काफी पुलिस वाले थे, और नजदीक आए, देखा एक आदमी को उन्होंने घेरा हुआ था, अपने घेरे में लिया हुआ था, देखा उसको हथकड़ी लगी हुई थी और उस आदमी को कुछ थोड़े अधो वस्त्र छोड़कर उसके सारे कपड़े भी उतारे हुए थे और उसके शरीर के ऊपर लाल रंग पोता हुआ था शरीर पर, और उसके सर के ऊपर हड्डी का टुकड़ा रखा। तो उसने ये पहली बार देखा, ये क्या बात इस आदमी को, और वो बेचारा रोता रोता जा रहा था। समुद्रपाल ने सेवक से पूछा, अरे क्या बात है, इसको पुलिस ले जा रही है, ये इस तरह से, ये क्या बात है। सेवक ने कहा, महाराज इसको मृत्यु दंड मिला है, अब पुलिस इसको वध स्थल पर जहां इसको मारा जाएगा इसको वहां ले जा रही है, और जिसको मृत्यु दंड मिलता है और वध स्थान पर ले जाते हैं उसको लाल रंग पोता जाता है, और यह हड्डी का टुकड़ा मृत्यु का सूचक है, इसलिए इसको वहां ले जा रहे हैं। मृत्यु भय से ये बेचारा रो रहा है। इस बात को सुन करके उनके मन के अंदर विचार आया, ओहो इस पूरी दुनिया में इसका कोई नहीं है, कोई भी तो आदमी इसका अपना हो जिसको छुड़ा सके, इसके लिए प्रयत्न कर सके। आखिर राजकार्य में कौन दखल दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता, राजकार्य राज व्यवस्था है, उसको दंड मिला हुआ है, तो पूरी दुनिया इतनी बड़ी दुनिया में इसका कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां उनके मन में एक विचार आया, ये जीव अकेला है, आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, अकेला ही जीव आता है अकेला ही जाता है, इसका कोई नहीं है। जब हमें भी दुनिया से जाना होगा, अकेले होंगे, कोई साथ नहीं होगा, फिर क्या करना चाहिए। अब पिता के संस्कार थे, पिताजी को देखा था उसने धर्म ध्यान करते हुए, उसने जाना धर्म आराधना से ही इस जीवन को सफल बनाया जा सकता है, अन्यथा जीवन विफल हो जाएगा। अतएव ऐसा सोच करके उसने निश्चय किया, आप क्षमा पियरो, माता पिता से पूछ करके पवे अणगारियम, उसने कहा मैं, मेरा मन संवेग को प्राप्त हुआ है, वैराग्य को प्राप्त हुआ है, मैं अब घर में रहना नहीं चाहता, दुनिया में रहना नहीं चाहता, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। वो सब यहाँ भी हुआ, उन्होंने रुका, समझाया, किया, वो सब दुनिया की बात है, वो सब ऐसा, अंत में इसने कहा नहीं मैं अब रहूँगा नहीं, और वह दीक्षा ले लेता है।
दीक्षा क्या चीज है और साधु को क्या करना होता है उसका विवरण और वर्णन यहाँ पर आया। सबसे पहले बताया पांच महाव्रत, उनको धारण करना और उनको पालन करना। बंधुओ, ये जो पांच महाव्रत हैं इनका जिक्र पातंजल योग दर्शन नाम के ग्रंथ में आया। क्या नाम लिया मैंने, जो ये पतंजलि है ना, इनका नाम पतंजलि था। पतंजलि से होने वाला पतंजलि का उसको संस्कृत में रूप बदल करके पातंजल शब्द बनता है। पतंजलि से पतंजलि ऋषि ने जो बनाया वह पातंजल, और क्या बनाया, योग दर्शन। ये योग की पहली किताब मानी जाती है दुनिया में, लोग ऐसा ही इतिहासकार मानते हैं। वैसे जैन धर्म में भी योग के बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन जैसे इतिहासकारों का कहना है कि ये पहली किताब है। उसमें यानी पातंजल योग दर्शन में इन महाव्रतों को यम कहा, वहां इनका नाम है यम। वो यमराज से अर्थ नहीं है, यम नाम है जो पापों के लिए, पापों को नष्ट करने में यम है। वहां इनको महाव्रत भी कहा। इन पांच बातों को थोड़ा समझ लें, मैं भी सोचता हूं थोड़ा आगे बढ़ूं, पर सुनाने का अर्थ है कि कुछ आपको समझा भी दूं बात को। वहां जिक्र आया एक व्रत होता है और एक महाव्रत होता है। ये चर्चा पातंजलि योग दर्शन की है। व्रत वह है देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसमें परिवर्तन किया जा सके, उसका नाम व्रत है। व्रत प्रतिज्ञा, लेकिन आचार्य और धर्मनायक समय के अनुसार जैसा ठीक समझें उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, उसका नाम व्रत है। महाव्रत उसे कहते हैं देश काल परिस्थिति में समय में कभी भी जो अपरिवर्तनीय हो उसको महाव्रत कहते हैं। ये जो पांच महाव्रत, ये महाव्रत यूं है कि जो अपरिवर्तनीय है शेष व्रत परिवर्तित तो हो सकते हैं पर ये नहीं होते। पहली बात बताई पांच महाव्रतों को धारण करना, उनका पालन करना। सवे भूए दयानुकंपी, साधु वह जो दयावान हो अनुकंपाशील हो। दया धर्म का मूल है, दया नहीं है तो वहां साधुता का धर्म ही नहीं है। वहां पर अनुकंपी, अनुकंपी अनुकंपा करने वाला, अनुकंपा भी दया का पर्यायवाची है, परंतु अर्थ भेद है। अर्थ भेद यह है जो दुखी को देख करके जिसका मन जिसकी आत्मा कंपित हो, आए अरे देखो बेचारा, उसका मन कांप उठे डोल जाए और तत्पर हो इसको कैसे दुख से निकालो, इसको अनुकंपा कहते हैं। एक कोई दुखी देखा, बहुत पीड़ा में देखा, अरे दुनिया है बताओ चलो आगे चलो, अनुकंपा नहीं हुई ना। अनुकंपा तो यह उसको देख करके कहते मन डोल गया, भाई मैं नहीं जा सकता इसको जब तक किसका कोई समाधान न हो जाए। साधु दयावान होते हैं, अनुकंपाशील होते हैं। इसके साथ कि दुखी को देखकर कांप जाए, लेकिन साधु मजबूत इतने होते हैं जो भय उत्पन्न करने वाले शब्द, जैसे शेर की दहाड़ हुई, शेर आ लिया भागो, साधु इनसे भयभीत नहीं होते। हमारी महासाध्वी थी श्री सुंदरी देवी जी महाराज, अपने टोले के साथ बिहार करते आ रही थी। एक भाई उनके साथ था, सेवक नहीं था, श्रावक था, सेवा में था। जंगल में ठहरना पड़ गया। अब ठहर गए, नहीं पहुंच पाए ठिकाने पर,
वो भाई कुछ दूर पर बैठ गया साधियों की रक्षा में। कोई आदमी आया, उसने बताया कि भाई साहब आप तो यहाँ बहुत गलत बैठे हो, यहाँ ना बैठो, यहाँ से चल दो। उसने पूछे क्या बात है? बोले इस जंगल में रीछ हैं और वो पीछे पड़ लेते हैं और कई कई इकट्ठे हो जाते हैं, आदमी को चूंट चूंट कर खा जाते हैं, आप यहाँ मत बैठो। उसने कहा गुरुनी जी चलो यहाँ ठीक नहीं। बोले भाई हम तो नहीं जाते। बोले जी समझो बात को, ये बता रहे हैं। बोले भाई हम नहीं जाते। साधियों ने सागारी संथारा कर लिया और क्या कर? मजबूती आप देखो। थोड़ी देर बीती या रात्रि में जब भी घुर घुर ऐसी आवाजें आने लगी, अंधेरा था भाई, कहीं आसपास में रीछ आ गए, इस तरह की आवाज, और दो रीछ लड़ते लड़ाते उलझते आपस में वहीं आ लिए। थोड़ी दूर जब देखा लड़ रहे थे, अभी कुत्ते हों रीछ हों आपस में लड़ेंगे और दूसरा आदमी दिख जाए ना कोई उसके चिमटेंगे, फिर ये लड़ना भूल जाते हैं। वो लड़ते लड़ते वहां तक आगे, उसने देखा भाई ने मरी छा गई। बोले गुरुनी जी और कोई उपाय नहीं है, पेड़ पर चढ़ जाओ। एक दूसरे का सहारा देकर हाथ पकड़ करके जैसे भी हो इसके ऊपर चढ़ जाओ। श्री सुंदर जी महाराज बोले ना भाई हम नहीं चढ़े पेड़ पे। बोले महाराज अब तो मरने का काम हो गया, अब भी चढ़ोगे फिर क्या करोगे? बोले देखो भाई जो कुछ होगा। उनके जीवन की बड़ी ज्वलंत घटना, रीछ वहीं आ लिए और आके खड़े हो गए। भाई भी क्या करे बताओ, वो छेड़ दे तो उसके चिमट जाए, वो कैसे, वो उसको अपनी मुश्किल, भाई इधर मेरी तरफ आए मैं तो पेड़ पर चढ़ूंगा अपनी जान बचाने के लिए। सतिया जी वहां बैठी नमुकार पड़ती रही।